हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने फ्रेंड्स 21 जून के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेके आऊं। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष आवेदकों को कितने रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष आवेदकों को प्रति माह 3,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, प्रति माह 3,000 रुपया तक दिया जाएगा, ये 2 साल तक दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है। फ्रेंड्स तो ये मनाया गया आपके 18 जून को मनाया गया है गोवा क्रांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2027 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा देश भारत, जो है सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा 2027 तक। ये किसके रिपोर्ट के अनुसार, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया है। फ्रेंड्स तो ये किया है महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें जो रोजगार रहेगा वो 30% आरक्षित रहेगा महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय पारी में अधिकतम छक्के लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये इंग्लैंड के कैप्टन है, इनका नाम है इयॉन मॉर्गन। तो इयॉन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, ये एक दिवसीय पारी में अधिकतम छक्के लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 17 छक्का लगाया है अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय पारी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्तियों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो कितना परसेंट बढ़ा है फ्रेंड्स, अमेरिका में 38% बढ़ा है, 38% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया है एचडीएफसी बैंक। और आरबीआई का बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आठवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के उप प्रधानमंत्री जिनका नाम है यूरी टूटनेव ने किस देश का दौरा किया है। तो ये भारत के दौरे पर है। तो रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी टूटनेव किस देश के दौरे पे है दोस्तों, तो ये भारत के दौरे पे है। तो फ्रेंड्स ये था आज का 21 तारीख का बेहद महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।